क्या आप भी हेडफोन ईयरफोन आप यूज करते हैं? आप कहीं से फ़ोन आता है या कोई सॉन्ग या वीडियो देखने टाइम में, तो ये वीडियो जो है आप ही के लिए है और आप ही के लिए मैं ये स्पेशल बनाया हूँ, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने ईयर मतलब अपने कान को कैसे आप बचा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप जो हेडफोन ईयरफोन यूज करते हैं तो आप अपने कान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और आपको जो है ईयरफोन लगाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप जो है हेडफोन ईयरफोन से आप बच सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप भी हेडफोन ईयरफोन यूज करते हैं? कहीं से फ़ोन आता है या कोई MP3 सॉन्ग सुनने में या वीडियो सॉन्ग सुनने में, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि अगर आप जो है हेडफोन ईयरफोन यूज करते हैं तो आपको जो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कभी कभी ये होता है ना कि हम जो है आनंदमय होने के लिए हेडफोन ईयरफोन यूज करते हैं, या अभी मार्केट में एक से एक जो है हेडफोन आ चुका है, देखते हैं आदमी ब्लूटूथ तक यूज करता है, तो आप जो है उस समय तो बहुत आनंदमय होते हैं कि वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बट आपको जो है फ़ायदा है, सुनते हैं तो फ़ायदा है क्योंकि आप जो है अच्छा लगता है, आनंदमय होते हैं, लेकिन आपके लिए नुकसान भी है। नुकसान यह है कि आप जो है कभी कभी सुनते रहते हैं ना, तो कोई जो है वीडियो ऑडियो जो होता है जो साउंड कम होता है, तो आप क्या करते हैं साउंड बढ़ाते रहते हैं ना, पूरा साउंड बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं जो वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है तो वहीं एक ही बार जो आपको होता है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, एक ही बार वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इससे जो है आपके कान के चदरे फटने के डर होता है और आपके कान के अंदर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वॉल्यूम कम बेसी होते रहता है, या आप कम ही कर देते हैं वॉल्यूम तो आपको अच्छा नहीं लगता, सोचते रहते हैं थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये जो है आपके पूरे जो है आपके सर के जो है फ्रीक्वेंसी को कम करता रहता है, ज़्यादा करते रहता है, और इससे है आपके ये है कि आपके बहरेपन का भी चांसेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है हमेशा जो है कभी फ़ोन आता है या आप वीडियो सुनते हैं ऑडियो सुनते हैं तो हमेशा जो है हेडफोन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं आदमी को जो है लत लग जाता है ये जो सुनने का हेडफोन से ही, क्योंकि वो जो डायरेक्ट जो है ना उसको अच्छा नहीं लगता है मोबाइल कान में लगाए हुए, तो वो जो क्या करते हैं कि हेडफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो है आप बस गाड़ी में या ट्रेन में देखते होइएगा कि आपको जो 90% लोग जो है आपको हेडफोन लगाने वाला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक से एक जो है हेडफोन आ गया है, तो आपको जो नुकसान भी है और आपको फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि आपको आनंदमय होते हैं, कि आपको अच्छा लगता है कि हम स्टाइलिस्ट हैं, हमको अब नया मॉडल में जो हेडफोन लिए हैं ईयरफोन लिए हैं, तो आपको अच्छा लगता है दूसरों को दिखाने में और अपने आनंदमय होने में। लेकिन आपको नुकसान भी तो है, आपको आप जो है बहरेपन के शिकार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आप जो है हेडफोन ईयरफोन की लत लग चुकी है, आप इसके बिना कोई ऑडियो वीडियो ही नहीं सुनते हैं। तो सो गाइस, ये वीडियो जो है आप ही के लिए मैं बनाया हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था और उसमें पूछा जा रहा था कि सर हेडफोन से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस पर एक थोड़ा कंप्लीट वीडियो बना के दिखला दीजिए। तो मैं सोचा चलिए मेरे जो भी व्यूअर है, जो भी कमेंट किए हुए हैं, उस सबको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कमेंट किए हुए हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए भी ये एक मैसेज है, अगर आप जो हेडफोन यूज करते हैं तो आप हेडफोन जो है एकदम धीमी गति में रखिए, कम रखिए और उतना ही रखिए जितना आप सुनना पसंद करते हैं, ये नहीं ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा करने से ये होता है वाइब्रेट ज़्यादा होता है, आपको जो है कान के अंदर वो जो पतले से चदरा होता है ना वो जो है आपका खराब हो जाता है, आपको जो है बहरेपन के शिकार हो सकते हैं, आप कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। सो आप जो हेडफोन यूज कीजिए, तो आप जो है जब भी हेडफोन यूज कीजिए आप अपने हेडफोन की आवाज़ को एकदम मीठा रखिए, बहुत कम रखिए,
ठीक है, इसके बाद ही यूज कीजिए। कभी कभी होता है कि हम ज़्यादा साउंड कर देते हैं, कभी कम साउंड कर देते हैं, इससे जो है मेरा शरीर जो है एडजस्ट नहीं कर पाता है और बहरेपन के शिकार हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि मेरे कान के अंदर से जो है मांस भी बाहर निकल जाता जाया करता है। क्यों? क्योंकि वो जो कम बेसी या वॉल्यूम कम बेसी करते सुनते रहते हैं, तो मेरा शरीर है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, मेरे जो सर है वो भी एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो आप बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी देखिएगा होइएगा कि बहुत सारे आदमी के कान के अंदर जो है जख्म हो जाते हैं, तो वो सब जो है ज़्यादातर नवयुवक को होते हैं, क्योंकि वो जो है अभी के टाइम में हेडफोन ईयरफोन के अलावा कुछ लगाते ही नहीं हैं। जब भी फ़ोन आता है या ऑडियो वीडियो देखते रहते हैं तो हेडफोन घुसा लेते हैं कान में, और जब वो जो है आनंदमय होते रहते हैं। तो आपको एक तरफ फ़ायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है, ठीक है। तो आप जब भी जो है हेडफोन यूज कीजिए तो एकदम कम आवाज़ दीजिए, कभी ज़्यादा आवाज़ में यूज नहीं कीजिए। मैं तो यह आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो हेडफोन यूज ही नहीं कीजिए, क्योंकि हेडफोन यूज करने से आपको नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा बहुत कम है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बात, जो फ़ोन आता है आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, फ़ोन उठा के उसमें क्या दिक्कत है, या स्पीकर ऑन कर लीजिए, स्पीकर से बात कर लीजिए, आपको बात करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। ज़रूरी है आपका हेडफोन लगाना, ईयरफोन लगाना। तो ये जो है छोटा सा वीडियो है आप सबके लिए, अगर आप जो है हेडफोन यूज करते हैं तो हेडफोन यूज करना बंद कीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरे वीडियो से जो है आपको ज़रूर नॉलेज प्राप्त हुआ होगा कि हेडफोन से क्या फ़ायदा है और हेडफोन से क्या नुकसान है। सो गाइस, आपने जाना कि हेडफोन से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। आप हेडफोन यूज करते हैं तो आप समझ जाइए कि कितने फ़ायदे में है और कितने नुकसान में है। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि आपको जो है हेडफोन यूज करना चाहिए या आपको हेडफोन यूज नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।